देखिए मैंने अभी जो है इससे पहले जो ट्रबल शूट किया था मैंने कंप्रेसर, तो ये वाला कंप्रेसर है, तो ये कंप्रेसर ओपन वेंडिंग हुआ है। तो क्यों हुआ है ओपन वेंडिंग, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए ये जो है कॉन्टेक्ट का दिख रहा है आपको, ये यहाँ देखिए ये ऑलरेडी एनर्जाइज है, क्योंकि मशीन ऑफ है फिर भी एनर्जाइज हुआ हुआ है। तो क्या हुआ, ये जो है ना एक्चुअली एक दो लाइन पास किया हुआ है, इसका तीसरा लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट है। तो कॉन्टेक्टर से क्या हुआ, दो लाइन पास होने की वजह से कंप्रेसर ओपन वेंडिंग हो गया, क्योंकि इसमें 323 फेस है, तो रिक्वायर्ड 3 फेस ही चाहिए उसको। अगर ये 2 फेस पास करेगा तो कंप्रेसर ऑब्वियसली श्योरली कि कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा। तो ये डैमेज हो गया है, एक्चुअली डैमेज होने का रीज़न यही है। कॉन्टेक्टर जो देखिए अभी कॉन्टेक्टर इंटरनली जो है अंदर से मेल्ड हो गया है। तो अभी देख सकते हैं अभी ये कंप्रेसर हम निकाल के चेंज करेंगे, तो कैसा करेंगे आपको सब बताता हूँ, और मैं इसका कॉन्टेक्टर भी रिप्लेस करूँगा। मैं जब भी कंप्रेसर लगाता हूँ तो कस्टमर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉन्टेक्टर रिप्लेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये जो यूनिट है ये ट्रेन का है, देखिए मैं अभी स्टार्ट करूँगा काम, आपको बताता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। और ये क्लीनिंग बहुत ही ईजी सिस्टम है, क्लीनिंग करना है, कंप्रेसर इंस्टॉल करना है, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ईजी है। ओनली क्या करना है, गैस निकालना है इसका, गैस निकाल के जो आपको सक्शन और डिस्चार्ज से आप वॉल से गैस रिलीज कर दो, और फिल्टर ड्रायर आप ये जो दिख रहा है फिल्टर ड्रायर, ये फिल्टर ड्रायर निकाल दे। आपको यहाँ से दोनों वॉल कनेक्ट करना है, वॉल कनेक्ट करके आपको जो है R141B जो है हम लोग इसके अंदर डाल के यहाँ से क्लीनिंग कर देंगे। चार्ज और सक्शन का जॉइंट निकालूंगा, उसके बाद जो है 38 का जो है हमारा फिल्टर ड्रायर उसको भी निकाल दूंगा। आप देख सकते हैं अभी मैं देख सकते हैं आप अभी मेरा जो है ये कंप्लीट हो गया, तो अभी इसको भी निकाल देंगे एक ही बार में। जब आप टॉर्च जला रहे हो तो इसको भी निकाल ही दो। ये जो है मेरा, मैंने ऑलरेडी इसको प्रिपेयर किया और बना चुका हूँ, तो देख सकते 38 और एक हाफ का है। तो आप देख सकते हैं ये 38 है और एक हाफ का दिया हुआ इधर, तो वो हिसाब से यूज़ करेंगे इसको। तो अभी मैं पहले जो है 38 वाला लगा लूँ। अभी मेरा जो है मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया उसके अंदर, तो अभी दोनों तो कनेक्ट हो गया। अभी मुझे सबसे पहले तो कंप्रेसर बाहर निकालना पड़ेगा इसका, ये वाला जो कंप्रेसर है आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेसर बाहर निकलने के बाद जो है मैं कंडेंसर सेपरेट क्लीन करूँगा और इवोपेटर सेपरेट करूँगा। आपको ये भी बताता हूँ कि इसको इवोपेटर देखिए आप, और इसमें जो है आपको ये इसमें हेडर भी, अगर आपका हेडर चोक हो गया तो कैसा क्लीन करना है उसमें मेरी वीडियो में आगे भी और वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसके अंदर हेडर अगर चोक हो गया तो आप कैसा क्लीन करें, तो उसमें आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे आगे भी। ज्वाइंट वाला लाओ ना, अभी देख सकते हैं कि अभी मैं जो है R11 डाल रहा हूँ। R11 डालने के बाद देखिए आप, ये जो अभी मैं R11 जो डाल रहा हूँ ये कंडेंसर में डाल रहा हूँ मैं, तो सिर्फ कंडेंसर ओनली कंडेंसर अभी फ्लशिंग होगा, जो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से अभी निकलेगा।
देख सकते हैं मैं इसमें जो है एक्स्ट्रा पाइप लगाया यूनियन में, क्योंकि नाइट्रोजन की हो सो इसमें डायरेक्ट लगाना है, कि आप गैस से लगाएंगे तो क्या है कि गैस खराब होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी गैस खराब हुए हैं। तो मैं अभी भी कभी नाइट्रोजन क्लीन करता कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट इसको ऐसे ही क्लीन करूँ। जो मैं इवापोरेटर में डाल रहा हूँ, तो इवापोरेटर में डालने के बाद देखिए अभी ये जो है यहाँ से इसके अंदर जाके फिर ये अपना जो सेक्शन लाइन से पास होगा इधर से निकलेगा। अभी आप देख सकते हैं ये इवापोरेटर सेपरेट हो रहा है। ये आप कोशिश करना है कि जितना आपसे इजी से इजी काम हो रहा है तो आप इजी वैसा करिए, लेकिन आपको सिस्टम एकदम अच्छे से और उसको क्लीन करना सिस्टम को, कंडेंसर और इवापोरेटर को, क्योंकि आप जब नया कंप्रेसर लगाएंगे तो आपका एकदम सिस्टम प्रॉपरली प्रॉपरली एकदम कंडेंसर और इवापोरेटर क्लीन होना चाहिए। और जो इसका ये ट्रेन में जो एक हेडर आता है, हेडर ये जो होता है बहुत क्रिटिकल होता है कि थोड़ा भी अगर कचरा होता फंस गया जम गया तो उसमें से अगर दो या तीन लाइन भी बंद हो जाएगी तो वो आपका हाई प्रेशर में ट्रिप होता है, लो प्रेशर में भी ट्रिप होता है, एकदम वाइट वाइट आ रहा है। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे क्लीन करके, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम जो है अच्छा क्लीन है अभी, मेरे को हिसाब से वो जो कंप्रेसर में जो ऑयल जला हुआ है और वाइंडिंग जलने की वजह से जो है ना हमारा जो अंदर का ऑयल पूरा जल गया है, ब्लैक हो गया है। तो अच्छा है कि सिस्टम में नहीं गया पूरा है, तो हो सकता था कि हेडर वगैरह चौक कर दे, लेकिन अभी अच्छा है कि उसमें नहीं गया। तो अभी हम कैसे क्लीन करते हैं हम आपको बताते हैं कि वो पेट देख सकते हैं अभी मेरा जो है सिस्टम जो है प्रॉपरली भी क्लीन हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है कंप्रेसर अपने सिस्टम में रख दूंगा, लगा दूंगा उसको। कंप्रेसर लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं कॉन्ट्रेक्टर रिप्लेस करूँगा, तो आपको मैं दिखाऊंगा कि फिर कॉन्ट्रेक्टर रिप्लेस करने के बाद तो कंप्रेसर चालू करके टेस्टिंग करूँगा। फिर अगर चालू हुआ कंप्रेसर तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे वेल्डिंग का और फिल्टर टायर वगैरह जो है हम सब प्रॉपरली वेल्डिंग करने के बाद फिर उसको एक बार लीक टेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद अगर लीक वगैरह सिस्टम में कहीं नहीं है तो उसके बाद हम फिर डिटेल वैक्यूम करके उसको गैस चार्ज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अभी मैं स्टार्ट करूँगा। कॉन्टेक्टर में भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा, एक्चुअली क्या है कि सेम कॉन्टेक्टर नहीं था तो उसको भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करके वायरिंग तो अभी प्रॉपरली कर दिया हमने। तो अभी आप देख सकते हैं अभी मैं कंप्रेसर टेस्ट रन पे ओनली चलाऊंगा, अभी चेक करूंगा कि कंप्रेसर चालू है या नहीं है और पंपिंग कैसा है नॉर्मली चेक करूंगा उसको। आप देख सकते हैं लगा किलोमीटर लगा, ठीक है किलोमीटर इधर लगाना राजेश इधर में लगेगा ये कंप्रेसर, ओके ठीक है। हाँ पुश करना, चालू कर पावर और स्क्रू ड्राइवर, एक सेकेंड हाँ रुक जा, अपन थोड़ा सा इसको ये मशीन को चलाना नहीं है तो मशीन बीएमएस से डायरेक्ट चालू हो रहा है तो इसको भी चालू कर, ओके चालू कर, अभी नहीं चालू होगा। देख सकते हैं अभी पावर ऑन हो गया, तो अभी चेक करेंगे इसको कॉन्टेक्ट का पुश करके, सही है ओके, हाँ सही है ओके चालू कर,
देख सकते हैं कंप्रेसर चालू हो गया है, तो परफेक्ट है, सेटिंग भी कर रहा है बराबर, देख सकते हैं अभी परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, ओके बंद कर दे। इसका क्या चालू करके देखने से एक बेनिफिट और एक होता है कि हमारा कंप्रेसर कहीं रिवर्स तो नहीं चल रहा है, और एक बेनिफिट ये है कि नया कंप्रेसर है, अब लगा जब इंस्टॉल करो तो पहले लगा के चेक कर लो कंफर्मेशन, क्योंकि आपका कंप्रेसर चालू नहीं हुआ तो वो आपके ऊपर इश्यू बन सकता है कि कंप्रेसर आपने खराब किए बोल के, तो ध्यान दे। ये जो हेडर है ये ब्लॉकेज होने की वजह से ही जो है ना अपना सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, या हो ये दो लाइन बंद हो जाए या बीच की कोई लाइन बंद हो जाए, दो या तीन लाइन, तो आपका जो है सिस्टम एकदम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको कभी इनकेस अगर ऐसा फोल्ड आया तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ, तो कैसा निकाल के इसको क्लीन करना है वगैरह है, तो प्रॉपरली इसके अंदर का जो है जो साइज बोर है अंदर का जो होल एकदम बारीक सा, तो मेरी वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने वीडियो डाल चुका हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी फंस चुका था ऐसा ही, तो मेरा जो प्रेशर जो जा रहा था लो प्रेशर जीरो और हाई प्रेशर 400 तक जा रहा था, तो मैंने क्या किया इसको ये जो पूरा पाइप है इसको अलग किया, अलग करके इसको क्लीन किया R141B से और नाइट्रोजन से प्रॉपर कॉइल और ये हेडर, उसके बाद फिर कनेक्शन किया हो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चलने लगा मशीन। देख सकते हैं दोस्तों अभी जो है मैंने वैक्यूम कंप्लीट हो गया, कम से कम मैंने 25 मिनट्स को अभी कर चुका वैक्यूम, अभी भी चालू है, तो अभी इसको बंद करके वैक्यूम हटा के फिर इसको गैस चार्ज करेंगे, अभी इसको बंद कर देता हूँ मैं। देख सकते हैं अभी मेरी गैस जो है कंप्लीट हो गई है सिस्टम के अंदर, हाई प्रेशर जो है हमारा देख सकते हैं आप 60 लो प्रेशर है और हाई प्रेशर जो है 290 है, ठीक है, तो अभी अपनी गैस होगी इसका एमीटर भी चेक कर लेंगे एक बार, ओके जल्दी से एमीटर करो जाके। और आप कभी भी अगर गैस चार्ज करेंगे तो रनिंग मशीन के अंदर आपको वेपर ही चार्ज करना है, लिक्विड नहीं चार्ज करना है इसके अंदर, एमीटर बता देख सकते हैं आप एमीटर 16.4 16.3 है, तो एक्चुअली डिजाइन एमीटर इसका 18 है, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास, और इसका रिटेल भी चेक कर सकते हैं, जबरदस्त रिटेल एकदम नियम ठंडा हो रहा है, एकदम नियर नियर ठंडा हो रहा है। और देखिए ये जो इधर जो ये फिल्टर ड्रायर है आप देख सकते हैं, ये फिल्टर ड्रायर जैसा कि आप कंडेंसर साइड से जो आ रहा है वहाँ पर उधर गर्म है और इधर आपका आधा इतना फिल्टर ड्रायर यहाँ पर ठंडा है, तो आप समझते हैं कि आपका सिस्टम ब्लॉक है, आप ध्यान देना अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो नाजी से ओके क्लोज कर दे रहा बंद कर, थोड़ा सप्लाई टेम्परेचर देख लेते हैं, देख सकते ज़रा मैं भी आपको सप्लाई टेम्परेचर बता दूँ कितना जा रहा है, ओके आप ध्यान दे रहे हैं कंप्रेसर लगाने से पहले आप पहले आप उसका सेटअप पूरा रेडी कर लें।